हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, मध्य प्रदेश सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है, और ये झटका केवल मध्य प्रदेश सरकार को नहीं है, ये झटका मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके थे उनको भी ये झटका है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना माना हुआ है कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ज्वाइनिंग दी जा रही है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की भर्ती में दे दी गई थी। तो यदि हम बात करें आज की इस पूरी न्यूज़ की, तो चलते हैं। चलने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, यदि हम बात करें, हाल ही में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी हुई है जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जहां 14% से अधिक आरक्षण दिया गया था, यानी कि वो मान्य नहीं है, यानी कि वो समस्या अब उन छात्रों के साथ एक अलग से आ जाएगी जो छात्र 27% आरक्षण के साथ इसमें भर्ती हो चुके थे और उनको ज्वाइनिंग यहाँ पर मिल गई थी, क्योंकि प्रदेश सरकार के शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण के आदेश पर सरकार ने हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि उस पर रोक बरकरार रखी हुई है हाईकोर्ट ने, और सरकार 27% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती। देखिए, कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है और 6 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई भी होनी है। इस सुनवाई से पहले ही आपको मालूम होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा था कि जो मामले कोर्ट में लंबित हैं केवल उनको छोड़कर बाकी सब में 27% आरक्षण दिया जा सकता है, और इसी के अनुसार जो है जो शिक्षक भर्ती ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हुई थी उसमें उन्होंने जो फाइनल चयन लिस्ट भी जारी कर दी थी 27% आरक्षण को लेकर। अब मैं आपको पूरी बता दूं कि क्या हुआ था कि हाई कोर्ट में कुछ मामलों में जो 27% आरक्षण को लेकर है वो मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, लंबित चल रहे थे। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के मामले वहाँ पर हाई कोर्ट में लंबित नहीं थे, उनकी चयन सूची जारी कर देनी थी। तो सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि एक काम करते हैं कि जो मामले लंबित हैं केवल हम उनमें जो है 27% आरक्षण नहीं देते हैं, बाकी जो मामले कोर्ट में लंबित नहीं हैं उनमें हम 27% आरक्षण दे देते हैं। और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया और ज्वाइनिंग दे दी। अब उन सभी जो ज्वाइन शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग पर हाई कोर्ट ने इन सबको अपनी अवमानना मानते हुए इन सभी आदेशों को रद्द किया है और सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। आप ये न्यूज़ दैनिक भास्कर की मुख्य न्यूज़ पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं अब आगे क्या होने वाला है। तो मध्य प्रदेश सरकार के 27% आरक्षण के साथ ही आपको मालूम होगा जो कुल आरक्षण है वो 73% हो जाता है, और 50% जो आरक्षण है उसे अधिक आरक्षण नहीं कह सकते, केवल नहीं किया जा सकता, केवल जनरल जो EWS आरक्षण को छोड़कर। अब इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने जो शिक्षक भर्ती कर दी गई थी उनके उस भर्ती पर भी सवालिया निशान लगते हैं, और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो ज्वाइन कर चुके शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर एक बार फिर से संकट आ जाता है। अब जो है यहाँ पर फिर से सरकार को सर्कुलर जारी करना पड़ेगा, हो सकता है उन सभी जो चयनित शिक्षक हैं उनको फिर से दोबारा से चयन सूची जारी की जाए और फिर से यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, और जिसमें 14% आरक्षण के साथ ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। या फिर जब तक हाईकोर्ट इस संबंध में आदेश जारी नहीं करता तब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को भी नुकसान होना संभव है। तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए एक अच्छी बात है कि 27% आरक्षण को यहाँ पर हाईकोर्ट ने अभी माना नहीं है, लीगल नहीं दिया है, और 27% आरक्षण करना इलीगल बताया है। तो इस संबंध में सरकार को फिर से सुनवाई के लिए जारी सर्कुलर में नोटिस में अपना जवाब देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब फाइनल डिसीजन आ जाता है तभी जाके ये सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि 27% आरक्षण होगा या फिर 14% आरक्षण। फिलहाल में सरकार को हाईकोर्ट ने ये बताया है कि आरक्षण जो है 14% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो शिक्षक भर्ती जो है वो 14% से अधिक आरक्षण पर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, बने रहिए इस तरीके की और भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।